Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, my colleagues, friends, Assalamu alaikum. In halat mein ke corona ne puri duniya ko ek nukte pe khada kar diya hai aur hum bhi isi duniya ka parts hain, to ye Allah taala ki taraf se azab nahi hota, ye imtihanat hote hain, mukhtalif qaumon pe aate rahe, Huzur sallallahu alaihi wasallam ke daur mein bhi aaye. इसको एक दूसरे के ऊपर नहीं डालना चाहिए और इसका मुकाबला करना चाहिए कि अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग फरमाते हैं कि जब आप लोगों ने हमारे साथ मिलना है तो कुर्बानियों के लिए तैयार हो जाओ. तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, हमें सब ने इसका मुकाबला करना है. तो बच्चों के इसरार के ऊपर कुछ ये लेक्चर शुरू करने का हमने प्रोग्राम शुरू किया है. ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड इतने अवेलेबल नहीं थे तो घर में बैठ के मैंने एक प्लान शुरू किया है, बल्कि मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि एक दफ़े एक बच्ची अपने वालिद मोहतरम के साथ आ गई कोई टॉपिक समझने के लिए. तो जब मैं समझा चुका तो उसके वालिद मोहतरम ने कहा कि बेटा ये तो मुझे भी आता था, तुम इसे घर समझ लेती. तो बहरहाल मैं इस वसातत से जब शुरू करता हूँ तो मेरा अपना तरीक़ाकार ये है कि मैं बिल्कुल लोअर लेवल से शुरू करूँगा और लोअर लेवल से फिर आहिस्ता आहिस्ता जहाँ तक मुमकिन हो सका मैं ऊपर चला जाऊँगा. अगर कोई इसमें गलती गुस्ताखी हो सकती है तो मैं उसकी माफ़ी चाहूँगा. तो मैं आगाज़ करता हूँ एक ऐसे टॉपिक से जो बच्चों ने टेलीफोनिकली मुझे बताया था कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो काफ़ी दिनों से मैं इसको सोच रहा था. तो इसका वीडियो है, आपने अब मुख्तलिफ चैप्टर्स को मद्देनज़र रखना है. मैं बिल्कुल आगाज़ से इसको शुरू करूँगा, आप लोगों ने रिलैक्स होकर सुनना है. सबसे आगाज़ मैं शुरू कर रहा हूँ प्रोटिस्ट से. अगर आप देखेंगे तो ये आपके चैप्टर नंबर 7 से एक छोटा सा पार्ट्स ले रहा हूँ. ये चैप्टर मैंने सारा नहीं पढ़ाना, भी इसका एक हिस्सा मैं लूँगा. इस चैप्टर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया. इसका एक पोर्शन एनिमल लाइफ है, एक पोर्शन इसका प्लांट लाइफ है और एक पोर्शन इसका फंगस लाइफ है. ये मुकम्मल नहीं है लेकिन हम कह सकते हैं उस जैसे हैं. ये प्लांट्स लाइफ होंगे और ये फंगस लाइफ होंगे. इसमें से ये जो पोर्शन है मैं इसका इंतखाब पहले कर रहा हूँ क्योंकि मेरी नज़र में जो चैप्टर आगे आना है उसका ताल्लुक इसके साथ है. इसके साथ एलजी आती है और एलजी में जो सबसे हाईएस्ट एलजी है वो है ग्रीन एलजी, क्योंकि इसका कलर भी ग्रीन होता है. और ग्रीन एलजी को हम कहते हैं क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा. तो ये हमारे इस चैप्टर की बेस बनेगी, बुनियाद बनेगी, जिसको हमने आगे लेके चलना है. इस चैप्टर को मैं कोरिलेट करूँगा प्लांटी के साथ. अब ये चैप्टर जो है अब आपका हमने प्लांटी के साथ कोरिलेट करना है. प्लांटी का जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 9 है. आमतौर पे स्टूडेंट्स के लिए ये मुश्किल होता है तो इसकी डिमांड ज़्यादा थी. तो मैंने देखा है जिन बच्चों की डिमांड जो ज़्यादा थी मैं उधर से शुरू कर रहा हूँ, बाकी भी इंशाल्लाह हो जाएंगे. तो अगर आप किसी तनाजर में देखें तो मैं शायद इधर ही जा रहा हूँ कि एलजी जो है ये एंसेस्टर है प्लांटी. अब देखें एक सीक्वेंस में हम आ गए तो मैं आगाज़ फिर यहीं से करूँगा और पहुँचूँगा यहाँ तक. इसके रास्ते पे क्लोरोफाइटा में एक पौधा आता है जिसका नाम है अलवा. इसकी लाइफ साइकिल बुक में नहीं है. अब जो कुछ मैंने इस जगह पर पढ़ाना है उसको पहले मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा. इस एक्सप्लेन करने के बाद मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा. तो मैं यहाँ देखे पहले लफ्ज ही यहाँ से शुरू कर रहा हूँ अलवा. तो मैं दोबारा अगर इस पॉइंट को रिपीट कर दूँ कि हमने चैप्टर नंबर 9 पढ़ना है लेकिन आगाज़ हम इससे कर रहे हैं प्रोटिस्टा से. इसका फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आपको क्वेश्चन प्रोटिस्टा का याद हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आमतौर पर इसमें से आता है, और एक क्वेश्चन आपने जहन में रखना है जो एंड पे होगा कि इन तीनों को कंपेरिजन करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाके निकल आएगा बाद में कि प्लांटी को इससे अलहदा क्यों किया गया. इससे डिफरेंस भी हमने निकालने हैं और इसकी सिमिलरिटीज भी निकालनी है. आगाज़ मैं कर रहा हूँ इस अलवा से.
तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बिल्कुल एक सतही लेवल पे यहाँ से पहुँचूंगा, यहाँ आऊँगा, यहाँ से होके फिर मैंने यहाँ आना है। तो ये मेरी स्टेजेस होगी हमारे हमारे टॉपिक की। ये हमारी फर्स्ट स्टेज होगी, यहाँ से पहुँचूंगा जिसकी वजह से ये एक्सप्लेन हो जाएगा और फिर मैं यहाँ पहुँचूंगा, तब आपका कंसेप्ट प्लांटी के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं प्लांटी को अभी हाथ नहीं लगा रहा, जब तक मैं यहाँ तक पहुँचूंगा आपको ये आधा याद हो चुका और ये अभी तक देखिए ब्लैंक होगा। चलें बिल्कुल, लेट मी सपोज हमारे सामने कोई हो सकता है अनपढ़ भी बैठा हो सकता है, ये वीडियो कोई अनपढ़ भी देख सकता है। तो ये जैसे एक छोटा सा गेम है, मैं गेम से ही शुरू कर रहा हूँ। अगर मेरे सामने कोई जस्ट ये एक छोटा सा यूं समझ ले एक पौधा सही, क्योंकि अलवा जो है वो हमने देखा नहीं है, एलजी है आमतौर पे पानी में होती है, और लेट मी मैं सपोज कर रहा हूँ ये छोटा सा एलजी है। इस एलजी से हमने देखा कि छोटे से सेल से बने, ये मैंने जस्ट एक बच्चों के लिए मॉडल सा बनाया है ताकि जो बच्चे एलजी को नहीं जानते, जिन्होंने आज तक नहीं देखी, वो जस्ट इसको देख कर कह सकेंगे कि इस जैसा कुछ चीज़ है। ये चैप्टर नंबर 7 प्रोटिस्ट एलजी, और ये ग्रीन एलजी है, इसमें से कोई सेल बने। इन सेल ने आगे चल के इसी जैसे एक पौधा सा बना लिया, ये देख लें। इन पौधों ने फिर आगे चल के इस किस्म के सेल बनाए, ये सेल बन गए, ये सेल आपस में जुड़ गए, हम इसको कंबाइन करता हुआ दिखा सकते हैं, और इसी से ये दोबारा पौधा बन गया। देखने में ये 1, 2, 3 और 4 चीज़ें हैं, और अगर इन चार चीज़ों में बच्चों 100 MCQ बना दूँ तो फिर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करेंगे मिलके। कि सिर्फ चार चीज़ें हैं, 1, 2 और 3 और 1, 4, और बेशक मैं अनपढ़ भी देख रहा हूँ तो वो भी इसको क्लियर कर सकता है। तो मैं हमेशा कंसेप्ट पे जोर देता हूँ, अगर मैं 100 MCQ आपको दूंगा तो रट्टा लगाने के बाद उसमें से 20 याद रहेंगे, लेकिन अगर आप इन छोटी चीज़ों को याद करके कंसेप्ट बना के करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको कबर की तक याद रहेंगे, आप आंदा नस्लों को भी वो बता सकेंगे। इसलिए हमेशा अपने कंसेप्ट पे फोकस करना है। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा आप इंट्री टेस्ट में, आप किसी जगह CSS में, आप पब्लिक सर्विस कमीशन में, किसी भी जगह कामयाब हो सकते हैं। तो वंस अगेन इसी मॉडल को सामने रखते हुए हम आगे चलते हैं। ये हमने छोटा सा यानी मॉडल सा बनाया है, इसमें देखिए जी हमने क्या कहा है, ये छोटा सा मैंने पौधा बनाया और ये पौधा सा ग्रीन कलर में है, तो मैं कोशिश फिर कर रहा हूँ कि इसको ग्रीन ही कलर में बनाऊँ। ये पहला पॉइंट था, ये मेरा पहला पॉइंट। इस पहले पॉइंट से हमने देखें, यहाँ से फिर हमने आगे ये छोटे से सेल बनाए हैं मैंने। ये छोटे से सेल जो थे वो इस शक्ल के थे, अगर आप गौर से देखते रहेंगे तो ये छोटे से सेल ही हैं। इनको फिर हमने थोड़ा सा आगे लेके गए, ये हमारा दूसरा पॉइंट था, इधर भी मैंने वही दूसरा पॉइंट रख दिया। इससे फिर हमने एक छोटा सा और पौधा सा बनाया, ये हमारा पॉइंट नंबर 3 था, ये वाला, और ये मैंने अब यहाँ बना दिया। इसके बाद फिर हमने यहाँ से कुछ सेल बनाए, और ये सेल कुछ इस किस्म के थे, और इनको मैंने ज़रा आपस में कंबाइन होते हुए भी दिखा दिया है। ये हमारा नंबर पॉइंट नंबर 4 बन गया। इस 4 से मैं एक थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि जब ये फ्यूज़ होंगे तो ये बन गया। अब ये चीज़ हमारा पहला पॉइंट था, इससे अब हम देखें गौर से देखें, हम दूसरे पॉइंट पे दाखिल हो चुके हैं। अब इस पॉइंट को हमने एलेबोरेट करना है, तब हम यहाँ पहुँचेंगे। अब आपने थोड़ी सी तवज्जो ज़्यादा करनी है, ये तो आप यूँ समझ लें गेम थी आपकी। इस गेम से अब आपने इस टॉपिक की तरफ आने, मैं फिर बात रिपीट करूँगा कि ये टॉपिक बुक में नहीं है। अक्सर बच्चों के जेहन में आता है कि सर बुक में नहीं है तो आप क्यों करा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि इस एक टॉपिक खातिर अगर ये पूरा चैप्टर याद हो जाए तो फिर ये एक पेज महंगा नहीं है। इस एक पेज ने आपको 100 MCQ याद करवाने हैं, इस एक पेज ने आपको पूरा प्लांटी चैप्टर याद करवाना है, जिसको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। अब इसमें से जब हम गौर से देखते हैं, अब आपने इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा तवज्जो करनी है, इधर उधर किसी चीज़ की आपकी फोकसिंग नहीं होनी चाहिए, ओनली फोकस टू दिस पॉइंट। अब यहाँ तक तो हम यूँ कह सकते हैं हम अनपढ़ थे, हमने एक अनपढ़ के लिए शुरू किया, अब हम थोड़ी सी हायर क्लास के लिए हम आगे चलते हैं, एक स्टेप आगे हम आगे
हम इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, जब भी कोई चीज़ मिलती है तो कम अज कम हम उसको जाइगोट कहते हैं। ये पहला पॉइंट बन गया जाइगोट, और जाइगोट के बारे में हम आंखें बंद करके कह सकते हैं इट इज ए डिप्लॉइड। वंस अगेन वी सी दिस वन, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे थे, ये नंबर फोर पॉइंट और नंबर टू पॉइंट फिनोटिपिकली रिजेंबल लाइक दिस वन, फिनोटिपिकली एक जैसे हैं, लेकिन हम इनको कहेंगे गैमिट्स और इनको मैं फिलहाल कह रहा हूं स्पोर, बाद में दलील देते हैं। इसको मैंने स्पोर क्यों कहा है, इसको मैंने गैमिट क्या है, दीज फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट एंड दे नेवर फ्यूज। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, द स्पोर कैन नेवर फ्यूज एंड द गैमिट्स 99% ऑलवेज फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट। देयर आर द सम एक्सेप्शनल केसेस, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, बट स्पोर ऑलवेज रिमेन सेपरेट, इंडिपेंडेंटली ग्रो इंटू ए इंडिविजुअल प्लांट, बट द गैमिट्स नेवर इंडिपेंडेंट, एक्सेप्शनल केसेज पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस, दे फॉर्म द जाइगोट एंड द स्पोर इंडिपेंडेंटली। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव, ऑल द स्पोर्स आर हैप्लाइट, ऑल द स्पोर्स आर हैप्लाइट, नो स्पोर द डिप्लॉइड, नेवर स्पोर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिप्लॉइड, एक्सेप्ट देर इज ए सिंगल स्पोर विच इज ए डिप्लॉइड, दैट इज कॉल्ड जाइगोस्पोर, दैट इज ए एंट्री टेस्ट, दैट इज योर एंट्री टेस्ट। ऑल द स्पोर्स आर हैप्लाइड एक्सेप्ट जाइगोस्पोर विच इज ए डिप्लॉइड, देर इज सम excessive cases, exceptional cases, sorry, exceptional cases, all the spores are haploid except zygospore, all the spores are haploid except zygospore, and the generation which produce spore is called sporophyte, generation which produce spore is called sporophyte, and the generation which produce gamete is called gametophyte, the generation which produce spore is called sporophyte, generation which produce gamete is called gametophyte, and the zygote is diploid, the sporophyte is always diploid, the gametophyte is always haploid, these are objective, every line is objective, it is not present in the book, but every line is present in your book. Once again, the zygote is always diploid, the zygote always formed by the fusion of the cells, these cells are gametes, and the individual which produce gamete in case of plants is called the gametophyte, the gametophyte develop from the spore and the spores are always haploid. Once again recycle this one, the zygote develop into the sporophyte, the sporophyte change into the spore change into the gametophyte, gametophyte change into the gametes, gametes form the zygote, zygote change into sporophyte, and the sporophyte means of meiosis, that is the next step, we enter into the next stage, and once again the diploid when change into haploid is always meiosis, the meiosis is always here, and all other stages are mitosis, the spore change into gametophyte by means of mitosis. हमने हमेशा पढ़ा हुआ है कि gametes meiosis से बनते हैं, भाई वो plants के नहीं animals के होते हैं, in case of plants the gametes are produced by mitosis, that is a mitosis, the gametophyte is always haploid, the gametes are always haploid, there is a mitosis, and once again there is a zygote, the zygote also show the mitosis, every line is a objective, it never exists in the short question kyunki ye book mein hi nahi hai, never long question kyunki book mein nahi hai, but every line is a objective and every line is a concept, and this whole single page is responsible for this chapter. Once again I repeat this one ki hame kuch alfaz jo hame chahiye wo iske liye hame kya kya chahiye in plants ke liye. Alva is a green algae, that is the highest algae, it is the ancestor of plants. जब भी क्वेश्चन आता है कि एलजी ancestor है, तो अब हमने थोड़ा सा इसकी सिमिलैरिटीज देखनी है, और वो सिमिलैरिटीज होंगी वो ही ancestor की तरफ इसको ले जाएंगी. अब वो करेक्टरिस्टिक जो हमने यहाँ देखने हैं, अब ज़रा तोज़ो से नोट करेंगे, इसकी स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट की जनरेशन एक जैसी है, तो ये एक पॉइंट जो हमने आगे चल के यूज़ करना है, इट इज़ ए आइसोमॉर्फिक. आइसोमॉर्फिक की मीनिंग एनिमल्स में और इस्तेमाल होते हैं, प्लांट्स में और इस्तेमाल होते हैं,
प्लांट्स में इस्तेमाल होते हैं व्हेन स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आर द सेम विद रिस्पेक्ट टू फिनोटाइप नॉट विद रिस्पेक्ट टू जीनोटाइप. जीनोटिपिकली ये डिफरेंट है, फिनोटिपिकली सेम है. दीज आर आइसोमॉर्फिक. बट इन केस ऑफ एनिमल दोज एनिमल इन विच मेल एंड फीमेल आर फिनोटिपिकली रिजेंबल. इनवर्टिब्रेट्स बिलो राउंड वॉर्म देर इज नो डिमार्केशन ऑफ द मेल फिनोटिपिकली देन दीज आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक. अब वो करेक्टरिस्टिक जिसको आपने आंखें बंद करके याद करना है. अभी आपने 9 चैप्टर नहीं पढ़ा, अभी आपने 9 चैप्टर नहीं शुरू किया, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपने आधा आधा चैप्टर पढ़ लिया है. लेट मी सपोज कैसे एलजी इज आइसोमॉर्फिक, ऑल प्लांट्स आर हेट्रोमॉर्फिक, ऑल प्लांट्स आर हेट्रोमॉर्फिक. अब इस चैप्टर में पहले पेज से लेके एंड पेज तक ये लफ्ज इस्तेमाल होगा. इस तरीके से याद करें, वंस अगेन ऑल एलजी आर आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक करेक्टर ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ एलजी, ऑल प्लांट्स आर हेट्रोमॉर्फिक. अभी हमने प्लांट्स पढ़े ही नहीं. फर्स्ट करेक्टर ब्रायोफाइटा, आगे चल के पढ़ेंगे ट्रेक्योफाइटा. ब्रायोफाइटा में आएगा लिवरवर्ट्स, उसके बाद आएगा मॉस, उसके बाद आएगा हॉर्नवर्ट्स. ट्रेक्योफाइट में साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिनोप्सिडा, टीरोप्सिडा, उसके बाद आएगा मॉस, फर्न आएगी, उसके बाद आएगा एडियंटम आएगा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म आएगा, एंजियोस्पर्म, ये पूरा चैप्टर है. मोनोकॉट आएगा, डाइकॉट आएगा. तो आप किसी एक चीज को याद ही नहीं, आपने कहा दिया होगा, सोच रहे होंगे सर ने इतना तेज बोल दिए, आप सोचे ही नहीं. ऑल प्लांट्स आर हेट्रोमॉर्फिक, पेज 1 से लेके पूरा चैप्टर नंबर 9 जो है हेट्रोमॉर्फिक. आपसे कोई पूछ लेता ये बाहर एक गुलाब का पौधा लगा हुआ क्या है, आप आंखें बंद करके कह दें इट इज हेट्रोमॉर्फिक. देयर इज ए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड. इट इज कॉल्ड डिप्लो हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल. अब सेम वर्ड इज देयर, यहां भी हम कह सकते हैं डिप्लो हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल, डिप्लो हैप्लोन, डिप्लॉइड हैप्लॉइड. अब यह लव चैप्टर नंबर 9 में भी है, और याद रखें चैप्टर नंबर 18 के पहले दो पेजेस पे भी इसका जिक्र आता है. जहां लाइफ साइकिल बनी हुई है एंजियोस्पर्म की, वहां जस्ट ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये चैप्टर वहां भी है. और ये विद रिस्पेक्ट टू आपकी बायो की जो बुक है, अगर कभी कोई पूछे कि आपकी बायो की बुक का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो आपने ये नहीं कहना बायो है, वो तो हमने पहले कह दिया बायो की बुक है. आपकी पूरी बायो की बुक बेसिकली जो लिखी हुई है विद रिस्पेक्ट टू एवोल्यूशन, इसलिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फाइलोजेनेटिक. दैट इज ए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. और मैं यहां लफ्ज नहीं लिखूंगा, लेकिन यही बताऊंगा कि ये हम वही पढ़ रहे हैं. आगे चले, स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉयड. ऑब्जेक्टिव, द स्पोरोफाइट चेंज इनटू स्पोर बाय मींस ऑफ मीओसिस. द स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड, ऑल द स्पोर्स आर हैप्लॉयड एक्सेप्ट जाइगोस्पोर. अब मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं साथ साथ. All the spores are haploid except zygospore. In case of fungus, chapter number 8, zygomycota, उसके अंदर यही character है. इसी बेस पे fungus number 8, zygomycete को इसी बेस पे नाम लिखा गया है. और अगर fungus में कोई पूछा जाए तो सबसे अहम character है जिसमें से ये भी आता है, nuclear mitosis आती है, zygomycete आती है, ये zygospore, ये character वो ऐसा होता है जो आम exist नहीं करता. अब स्पोर अगर एक जैसे हों, जैसे कि हमने ये पढ़ा है, ये मैं ऊपर हेडिंग दे लूँ ताकि पता चले ये किसके करेक्टर हैं. ये एलजी के करेक्टर हैं, ये अलवा के करेक्टर अब नहीं है, अब हम एलजी के कह रहे हैं. अब आपको जी चैप्टर नंबर 7 याद हो रहा है, ऑल एलजी आर आइसोस्पोरस इफ द स्पोर आर फिनोटिपिकली सेम. तो मैंने जीनोटिपिकली क्यों नहीं कहा, भाई देर इज ए मियोसिस, जब मियोसिस होती है तो रिशफलिंग होती है, देर इज मियोसिस क्रॉसिंग ओवर होती है, इसलिए अंदर से डिफरेंट होंगे, बाहर से एक है कि आइसोमॉर्फिक. बट इन केस ऑफ प्लांट्स दीज आर आइसोमॉर्फिक एज वेल एज हेट्रोमॉर्फिक, ये दोनों होते हैं, इसमें दोनों करेक्टर हैं. अगर हम आइसोमॉर्फिक की बात कहेंगे तो हम कहेंगे एलजी प्लांट से रिलेटेड है, इसकी एंसेस्टर है, भाई एक जैसी हैं. अब थोड़ी देर बाद वो कहता है नहीं भाई जान एलजी और उसमें तो प्लांट्स में बहुत ज़्यादा फर्क है, तो हम कहेंगे जी बिल्कुल फर्क है, वो हेट्रोमॉर्फिक है, ये आइसोमॉर्फिक है, ये आइसोस्पोरस है, हेट्रोस्पोरस है. फिर आगे चलें, अब देखिए यहाँ स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट हैं ओनली इन केस ऑफ एलजी. स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बोथ आर इंडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, जबकि ये करते हैं. स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. कैसे करते हैं,
ये हम बाद में देखेंगे, अभी हम देखेंगे तो रट्टा बन जाएगा, जब बाद में देखेंगे तो खुद ही आपकी जबान बोलेगी कि मसलन हम ब्रायोफाइट्स में देखेंगे स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट, आगे चल के देखेंगे गैमेटोफाइट डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट, उस वक्त पढ़ेंगे, अभी मैं नहीं बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ यही कहूंगा कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, इस सूरत में डिपेंड नहीं करते, दोनों एग्जिस्ट करते हैं सिमिलरली इंडिपेंडेंट। अब देखें माइटोसिस से गैमेट्स बनते हैं, एनिमल्स में मियोसिस से गैमेट्स बनते हैं गैमेटोजेनेसिस, बट दे रहते माइटोसिस, माइटोसिस वंस अगेन आई रिपीट इन केस ऑफ प्लांट्स द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस एंड द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस। अब ये गैमेट आपस में फ्यूज हो रहे हैं, फ्यूज होने के बाद क्या बनाते हैं जाइगोट, जाइगोट चेंज इनटू स्पोरोफाइट, गैमेट दोनों एक जैसे हैं, इस बेस पे हम कह सकते हैं आइसोगेमस, आइसोगेमस, बट इन केस ऑफ एनिमल्स देर इज नो आइसोगेमस, नो आइसोगेमस एट, यहां कोई आइसोगेमस का करेक्टर नहीं है, अभी हमने चैप्टर पढ़ा ही नहीं और आपने आधे करेक्टर इसके याद कर लेने, पूरा चैप्टर पहले पेज से लेके एंड तक जो मैंने पहले आपको गिरदान सी सुनाई है, नो प्लांटी आइसोगेमस, ऑल एलजी आर आइसोगेमस, हाँ देर आर सम ओगेमस, देर आर सम हेट्रोगेमस, ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, हेट्रोगेमस में क्या है छोटा होकर बड़ा होगा, ओगेमस में क्या होता है कि मेल गैमेट स्मॉलर एंड द फीमेल इज लार्जर, मेल इज मोटाइल द फीमेल एग इज ए नॉन मोटाइल, दैट इज ओगेमस, बट ऑल दीज आर ओगेमस। एक और ऑब्जेक्टिव आता है बार दफा, वो बच्चे इंसिस्ट करते हैं, खासकर वो बच्चे लास्ट ईयर मैंने देखा है जो कहते हैं जी बिल्कुल 100% हमने बुक को ओबे करना है, और वो धोखा खा जाते हैं, वहां किसी जगह लिखा होता है कि प्लांट्स सेल नेवर कैन मूव, बट यू शुड थिंक द स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स कैन मूव, प्लांट सेल मूव कर सकता है, ब्रायोफाइट्स का स्पर्म फ्लैजेला स्पर्म रखता है वो मूव करता है, उस जमन में ये बात मैं कह रहा हूँ ओगेमस, इसमें एक स्पर्म मोटाइल हो सकता है एक नॉन मोटाइल हो सकता है, हेट्रोगेमस दोनों अलहदा हो सकते हैं, ये करेक्टर सिमिलैरिटीज में भी जा रहा है और डिफरेंस में भी जा रहा है। अब गैमेट्स आपस में फ्यूज होता है जाइगोट, अब इसी डायग्राम को हम यूं समझेंगे कि हमने एलजी पढ़ ली है, लो जी अब हम इस पॉइंट की तरफ रिवाइज करके आते हैं ताकि फिर हम चैप्टर नंबर 10 की तरफ चलें, तो मैं जल्दी से इसको रिवाइज करता हुआ इस पोर्शन को, हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, वाइंड अप कर रहा हूं। जस्ट न्यू कवर यहां देखें, हमने जस्ट एक छोटा सा मॉडल बनाया, दैट मॉडल फर्स्ट रिजेंबल टू दिस वन, इट इज ए ब्रायोफाइटा, सॉरी इट इज ए एलजी अलवा, देर इज ए स्पोरोफाइट, द स्पोरोफाइट चेंज इनटू द स्पोर, दीज द स्पोर्स आर फ्लैजिलेट, इट मीन दे मूव, दे नीड वाटर, दीज आर मोटाइल, द स्पोर चेंज इनटू गैमेटोफाइट, जस्ट फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, द गैमेटोफाइट प्रोड्यूस गैमेट्स एंड द गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट एंड द जाइगोट वंस अगेन चेंज इनटू द स्पोरोफाइट, दैट्स दैट। Sporophyte change into spore, spore change into gametophyte, gametophyte fuse zygote and then once again into, that is the characteristic of LG. All LG are isomorphic, all the spores are motile except red LG, there are some exceptional red LG, except red LG, आप इसमें से red LG को थोड़ा सा separate करके देखेंगे आप, एक्सेप्शनल केसेस यही होती है कि हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी केसेस होती हैं जो बाकियों से डिफरेंट कर सकती हैं, रेड एलजी, रेड एलजी के स्पोर मूव नहीं करेंगे, जैसे हमने पीछे जाइगोस्पोर को कहा है, द स्पोर ऑलवेज चेंज इनटू गैमेटोफाइट इन केस ऑफ एलजी, गैमेटोफाइट प्रोड्यूस गैमेट्स, गैमेट्स फॉर्म फ्यूज जाइगोट, आइसोगेमस, आइसोमॉर्फिक, आइसोस्पोरस, तीनों लफ्ज एक सेंस में याद हो जाएंगे, isosporous, isogamous, isomorphic, that is the characteristic of algae. अब आते हैं उस question की तरह जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि एक question और आपको याद होगा, protist के साथ एक लफ्ज इस्तेमाल होता है सर फेडरल बोर्ड में आता है, taxonomic position, taxonomic position में ये आता है कि fungus, algae और animal को इसमें क्यों रखा गया, why plant placed in a separate kingdom, ये अलग-अलग question आता है फेडरल बोर्ड का पसंदीदा question है, वाइट इज द टेक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ प्रोटिस्ट, या पंजाबी में उर्दू में आप एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना वखरा भांडा,
तो भाई ये वखरा बांटा है, जैसे घर में एक होता है वखरा बांटा, उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, ना टीने पसंद आते हैं, ना करेला पसंद आता है, घर वाले कहते हैं भाई ये एक सेपरेट केस है, इसको अलहदा ही रखें। तो प्रोटिस्ट हमारी पूरी किंगडम में एक सेपरेट केस था, जिसका एक सबूत अभी हमने दे दिया है। अब हम करेंगे इसमें ज़रा डिफरेंस वाली बातें। पहले तो हमने कहा है जी कि एल्जी और प्लांट आपस में भाई भाई हैं, जब हम भाई भाई कहेंगे तो हम कहेंगे ये इसका एंसेस्टर है। अब हम कहेंगे थोड़े से इसके कीड़े निकालेंगे, मेन डिफरेंस है भाई। क्वेश्चन हम कौन सा तैयार करेंगे, वाई एल्जी नॉट प्लेस विद द प्लांटी, भाई इसको इधर क्यों नहीं रख दिया, एल्जी है, फोटोसिंथेटिक है, ऑक्सीजन बनाती है, इसको तो प्लांट्स के साथ होना चाहिए। तो बात हम बिल्कुल मानते हैं, जब हम प्लांट्स के पास ले गए कि प्लांट ये एक तुम्हारा नया आया बच्चा एल्जी, इसको अपने पास रख लें, तो प्लांट ने इसको लेने से इनकार कर दिया। हमने कहा जी तकलीफ क्या है, ये भी फोटोसिंथेटिक है, आप भी फोटोसिंथेटिक हैं, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट है, आप में भी क्लोरोप्लास्ट है, ये भी ऑक्सीजन बनाता है, आप भी ऑक्सीजन बनाते हैं, तो इसको अपने पास रख लें। इन्हें कहा नहीं जी, पहली बात क्या है कि ये आइसोमार्फिक है, मैं तो हेट्रोमार्फिक हूँ, चलो इसको ले जाओ। पहली पॉइंट से इसके तो हमारी सारी जिंदगी आइसोस्पोरस होता है, और मेरे में तो डिफरेंट स्पोर भी हो सकते हैं, इसमें तो देखें गैमेट भी एक जैसे हैं, मेरे डिफरेंट भी होते हैं। और इस पॉइंट को अगर आप गौर से देखें, यहाँ हमने कोई एंथ्रीडियम नहीं देखी, कोई आर्चिगोनियम नहीं देखी, कोई स्टिग्मा नहीं देखा, कोई स्टाइल नहीं देखा, कोई फ्लावर नहीं देखा, हमने कोई करेक्टर इसमें देखा ही नहीं है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ही नहीं, इसमें तो प्रोटेक्शन ही नहीं होती, और हमारे अंदर प्रोटेक्शन होती है। अब आपने ये लफ्ज़ जो है जो इसके लिए बहुत ज़्यादा, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोफाइट, जिसको मैंने एंड पे जानबूझ के लिखा है कि नेक्स्ट आगे टॉपिक में ये आ जाएगा, एम्ब्रियोफाइट। एम्ब्रियोफाइट वो होता है जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और इसमें है एक्सटर्नल। तो पौधों ने कहा जी हमारा एक करेक्टर है एम्ब्रियोफाइट, ये एलजी साइबा जो है हमारे करेक्टर को पूरा नहीं करती, इसलिए आप मेहरबानी करें इसको प्रोटिस्टा के पास ले जाएं। तो प्रोटिस्टा ने कहा है कि ठीक है जी, मेरे पास पहले एक फंगस भी एग्जिस्ट करती है जो बाकी वाली फंगस से रिजेंबल नहीं करती, इसमें सेंट्रियोल होता है एनिमल की तरह, इसमें सेल वाल जो है वो सेलुलोज की बनी हुई है, तो हमने बड़ी कोशिश की इसको एडजस्ट होने की, ये भी कहीं नहीं हुई, तो जहाँ ये पड़ी है इसको भी रख दिया जाए। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटिस्ट एक सेपरेट टैक्सोनॉमिक स्टेटस रखता है, दीज ऑर्गेनिज्म नेवर फिट टू अदर ऑर्गेनिज्म। अब आते हैं मुकम्मल तौर पर हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 9 प्लांटी, हमने देख लिया कि एलजी से ड्राइव होंगे, मान लेते हैं। अब इस प्लांटी चैप्टर के दो मेजर पार्ट्स हैं, एक हम आज थोड़ा सा डिस्कस कर सकेंगे जिसका नाम है ब्रायोफाइटा और दूसरे का नाम है ट्रेकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा के आगे फिर तीन हिस्से हैं, इसका एक हिस्सा है लिवरवर्ट्स, एक हिस्सा है मॉस और एक हिस्सा है हॉर्नवर्ट्स। इसको इसी तरतीब में रखें क्योंकि आपको एक लफ्ज़ याद होना चाहिए, मैंने शुरू में बता दिया था कि देर इज़ ए फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि ऑर्गेनिज्म को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो उसमें हमने एवोल्यूशन को मद्देनजर रखा है, ये मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था फाइलोजेनेटिक। तो फाइलोजेनेटिक से आपने याद रखना है कि आप इसकी तरतीब को भी मद्देनजर रखें करेंगे, बाद दफ़ा इंटर टेस्ट में, पब्लिक सर्विस कमीशन में, PCS में थोड़ा सा गैस लगाना पड़ता है जिसको रुफे आम में तुक्का कहते हैं, लेकिन अगर आपकी ये तरतीब ठीक होगी तो आप लगाएंगे विच वन इज द लोएस्ट ब्रायोफाइटा लिवरवर्ट्स, जो पहले लिखा जाएगा। एवोल्यूशन का रूल होता है जो पहले आते हैं वो लोअर होते हैं, जो पहले लिखे जाएंगे वो लोअर होंगे, जो बाद में आएंगे वो हाईएस्ट होगा। हॉर्नवर्ट्स इज द हाईएस्ट सुपर मोस्ट ब्रायोफाइटा, रीजन तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो हमने गैस लगाना है कि इस तरतीब में जो हम लिखेंगे एलजी इज लोअर देन लिवरवर्ट्स, क्योंकि वो पहले है ये बाद में है। लिवरवर्ट्स इज लोअर देन मॉस क्योंकि ये पहले लिखी है। द मॉस इज द लोअर देन हॉर्नवर्ट्स क्योंकि इसके बाद आ रहा है। एंड हॉर्नवर्ट्स आर द लोअर देन द ट्रेकियोफाइट्स क्योंकि वो बाद में आ रहे हैं, तो जो बाद में आने वाले होते हैं वो सबसे हाईएस्ट होते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर पे आए, सबसे हाईएस्ट थे। तो ये बात याद रखें, इसमें से ये जो है ये थोड़ा सा बाद दफा मैट्रिक भी होता है, इसलिए मेरा दिल कर रहा है कि पहले मैं इसको पढ़ाऊँ और फिर इन दोनों को पढ़ के अब हमारा इन तीनों में से जो कंक्लूजन निकलेगा वो हमारा ब्रायोफाइट के क्रिटिस्टिक हो जाएंगे। अब इस जगह पे थोड़ा सा हम रेस्ट करके फिर हम आगे चलते हैं, पास करते हैं।